नमस्कार ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 1947 में इसराइल पर भारत का प्रारंभिक राजनीतिक रुख दो राष्ट्र समाधान की अस्वीकृति और फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अटूट समर्थन का था। इसका विशेष रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा समर्थन किया गया था। तत्कालीन फिलिस्तीन के संबंध में भारत की नीति को अरब देश, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र से भी आकार मिला था। इसराइल के खिलाफ अपने शुरुआती रुख के बावजूद भारत ने 1950 में इसराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। साथ ही 1975 को भारत ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंध तब और मजबूत हुए जब 1983 में नईम शिखर सम्मेलन में भारत ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित की थी। लेकिन समय के साथ भारत इसराइल संबंधों में आधारभूत बदलाव आया। जैसे जैसे मध्य पूर्व के प्रति भारत की विदेश नीति विकसित हुई, फिलिस्तीनी मुद्दे और अरब दुनिया के प्रति इसके अटूट समर्थन को लेकर आलोचना होने लगी। इसके कई कारण थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरब देशों ने तटस्थ रुख बनाए रखा था। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान पाकिस्तान को अरब देशों ने समर्थन दिया था, लेकिन अरब देशों के रुख के विपरीत इसराइल ने 1962 और 1965 के युद्धों के दौरान भारत को सैन्य सहायता प्रदान की थी। मध्य पूर्व और विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण भारत की विदेश नीति में बदलाव आया। 1970 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण का मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस दौरान सद्दाम हुसैन के समर्थन के कारण फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ ने राजनीतिक लाभ खो दिया था। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन ने वैश्विक गतिशीलता को बदल दिया, जिसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। इन बदलती परिस्थितियों के आलोक में और उभरती भू राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप भारत ने अपनी मध्य पूर्व नीति में पर्याप्त बदलाव किए। जनवरी 1992 में भारत ने आधिकारिक तौर पर इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। शीत युद्ध की समाप्ति ने इसराइल के प्रति वैचारिक शत्रुता को कम किया, जिससे भारत के लिए मध्य पूर्व में अधिक संतुलित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना सहज हो गया। 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री की इसराइल यात्रा के दौरान फिलिस्तीन में यात्रा नहीं की गई, जो कि पिछली मंत्रिस्तरीय यात्राओं से अलग था। बाद में पीएम ने फरवरी 2018 में फिलिस्तीन का दौरा किया, लेकिन इसराइल का दौरा नहीं किया। इस समय भारत ने इसराइल फिलिस्तीन के आपस में संबंधों से अलग स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। अगर हम वर्तमान भारत इसराइल संबंध की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार 1992 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 तक 6.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र में व्यापारिक विविधता के साथ भारत एशिया में इसराइल का तीसरा और विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़े व्यापार भागीदार है। इसके अलावा इसराइली कंपनियों ने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार और जल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। रक्षा सहयोग में भारत सशस्त्र बलों के बीच नियमित आदान प्रदान के साथ इसराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है। भारत इजरायली रक्षा प्रणालियों जैसे फाल्कन अवाक्स, हेरॉन ड्रोन और बराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उपयोग करता है। साथ ही इजरायल की विशेष अज्ञता और प्रौद्योगिकियों से भारत को बागवानी, सिंचाई और डेयरी फार्मिंग में लाभ प्राप्त हुआ है। सुरक्षा, रक्षा और कनेक्टिविटी के संदर्भ में इसराइल के साथ भारत के संबंध गहरे हुए हैं। साथ ही सऊदी अरब, मिस्र, कतर और ईरान सहित अन्य पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी संबंध मजबूत हुए हैं। पश्चिम एशिया में भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण भारतीय प्रवासी ऊर्जा आयात और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से प्रेरित है। भारत फिलिस्तीन में राजनयिक समर्थन, विकास सहायता और संस्था निर्माण के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान में भूमिका निभा सकता है। भारत को सक्रिय रूप से पश्चिम एशिया में अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष ने भारत के समक्ष कूटनीतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख, इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ इसके संबंधों में संतुलन स्थापित करने वाला होना चाहिए, जो विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान दे। धन्यवाद।